नमस्कार एंड जय जोहार दोस्तों। आज मैं आपको लेकर के जाने वाला हूँ छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले के साँड़भर के वन देवी मंदिर में। जी हाँ दोस्तों, अंबिकापुर के नज़दीक साँड़भर में वन देवी का मंदिर स्थित है। और दोस्तों यहाँ पर एक ही जगह में पांच मंदिरों का निर्माण किया गया है, पांच मंदिर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही अच्छे जगह पर इन मंदिरों का निर्माण किया गया है। और दोस्तों यह एक प्राचीन मंदिर भी है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वहाँ। तो दोस्तों अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, इस दर्शनीय स्थल में अगर दोस्तों आप आना चाहते हैं, तो अंबिकापुर से बिलासपुर वाले जो मेन रोड है, उस रोड से दोस्तों एक रास्ता कटा है जो अंबिकापुर से सूरजपुर लेकर के जाता है। तो दोस्तों यह साँड़भर नाम का एक जगह है, वहाँ दोस्तों आपको आना पड़ेगा। और अंबिकापुर से बिलासपुर का जो रोड है, उस रोड से आपको कटना होगा। और वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। तो दोस्तों यह आपको गांव साइड से लेकर के जाता है, यह रोड सूरजपुर आपको गांव साइड से लेकर के जाता है। तो दोस्तों इसी रोड में आपको पड़ेगा, बिलासपुर रोड से 500 मीटर की दूरी पर अंदर साइड में आना पड़ेगा, इसके बाद आप इस दर्शनीय स्थल में पहुँच जाएंगे। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है प्यारे देवांगन और दोस्तों मैं आ चुका हूँ साँड़भर के मंदिर में। तो दोस्तों यह छत्तीसगढ़ का एक मुख्य स्थल है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का पूरा सीन। तो दोस्तों नीचे से वन देवी मंदिर का नज़ारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा नज़ारा है। इसके बाद दोस्तों ऊपर से आप नीचे को देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देता है। और दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी पत्थरों का चट्टान भी है। तो गाइस चलिए यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको ऊपर जाके, चलिए ऊपर चलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक पत्थर ऐसा भी है जिसमें आपको गणपति जी दिखेंगे, बहुत ही बड़ा पत्थर है। आप यहाँ पर आकर उसको गौर से देखेंगे तब आपको अच्छे से दिखाई देगा दोस्तों, इसी पत्थर में स्थित है। तो दोस्तों चलिए उधर जाके मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी चट्टान है इधर पत्थर का, बहुत ही अच्छा प्लेस है, बहुत ही अच्छे जगह पर इन मंदिरों का निर्माण किया गया है दोस्तों। देखने लायक जगह है क्योंकि दोस्तों ये चारों साइड में जंगल है और इधर साइड में इस मंदिरों को निर्माण किया गया है। इधर दोस्तों चट्टान और जंगल है और दोस्तों इसके बाद इधर किनारे में इन मंदिरों का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों आप मंदिर परिसर को देख सकते हैं कि कितना नीट एंड क्लीन है। और दोस्तों यहाँ पर ये बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, यहाँ पर गणपति जी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पांच मंदिर निर्माण किया गया है, पांच मंदिर स्थित है। मैं आपको पूरा मंदिर दिखाता हूँ चारों साइड से, अगर दिखे तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर पांच मंदिर स्थित है। और वहाँ पर तो दोस्तों इसी विशाल पत्थर को आप सामने नज़दीक में आकर के देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये गणपति जी हैं। तो दोस्तों आप सामने आकर के ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों ये दीप कक्ष है, यहाँ दीप जलाया जाता है, कलश जलाया जाता है। और दोस्तों मंदिर परिसर का देख सकते हैं पूरा नज़ारा है दोस्तों। और यहाँ एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा मंदिर है। और दोस्तों इधर पूरा मंदिर परिसर यहाँ पर देख सकते हैं कि पांच ठो मंदिर स्थित है यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों बहुत ही प्राचीन मंदिर है, यह एक पुराना प्राचीन मंदिर है, बाकी दोस्तों अभी नया बनाया गया है। तो दोस्तों साँड़भर का यह दर्शनीय स्थल, यह प्लेस आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।